मैं कुछ रुपए भेज दूं? भेज दीजिए, पैसों की मदद करने वालों में एक नाम आपका भी शामिल हो जाएगा। जी नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी। मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो उसे फोन करती है। आवाज से सिर्फ इतना पता चलता था कि जवान है। हंसी बहुत ही खनकदार थी। गुफ्तगू से ये साफ जाहिर है कि पढ़ी लिखी सभ्य लड़की है। बहुत देर तक वो उसके बारे में सोचता रहा। इधर क्लॉक ने 11 बजाए, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, मिस्टर मनमोहन। जी हाँ, मनमोहन। इरशाद? इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई बार तुम्हारा रिंग किया, आप कहाँ गायब थे? साहब बेकार हूँ, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम पर? आवारा करती। वापस कब आए? 10 बजे। आप क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश न कीजिए, मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ कीजिएगा, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए, बदसूरती से मुझे नफरत है। ऐसा है? तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ, मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। फिर कुछ सोचने लगी? जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह। आपको गाना सुनाऊं? जी जरूर। ठहरिए। नुक्ता जी है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने। नुक्ता जी है गमे दिल। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया। और टेलीफोन बंद कर दिया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गजल गूंजती रही। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। इसके बाद मेज पर लेट गया और कुढ़ने लगा। वही किताब जिसको वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था, उठाई और पन्ने पलटने शुरू कर दिए। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। कौन है? मैं। इतनी देर तुम कहाँ थी? क्यों? मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ, ना नाश्ता किया है ना दोपहर का खाना खाया है, हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। आप देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो, मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आज की माफी चाहती हूँ, कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन आया करेगा आपको, ये ठीक है? मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। माफ करना, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब कोई चीज मुझे पसंद नहीं होती तो मैं खुद को सजा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन नहीं आया, चाहता तो मैं चला जाता, लेकिन दिन भर अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। बचपना है साफ। काश मुझसे गलती ना होती, मैंने जानबूझकर टेलीफोन नहीं किया। क्यों? ये मालूम करने के लिए कि आप इंतजार करेंगे या नहीं। बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, आप टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बेहतर। कब तक लौटेंगे? आधे घंटे में। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद उसने गालिब की गजल सुनाई। दिल ही तो है ना संग को भेज, दिल ही तो है ना संग को भेज, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार।
बार रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए। वाह, मनमोहन ने दिल से दाद दी। क्या बात है, बहुत। फिर टेलीफोन का सिलसिला खत्म हो गया। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। कई बार घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे न टेलीफोन का नंबर पूछा न उसका नाम।